अंधेरी वेस्ट मुंबई के रोनवाल एलिगेंट अपार्टमेंट के सामने एक स्ट्रीट डॉग एक्सीडेंट में मर गया था, जिसके बाद एक कथित डॉग लवर महिला ने बिजनेसमैन जयेश देसाई के ऊपर कुत्ते को मारने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवा दी थी। बता दें कि वहीं मुंबई पुलिस ने भी देरी किए बिना मामले में तत्परता दिखाते हुए जयेश देसाई के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। बताते चले कि इसके बाद जयेश देसाई और उनके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद ही डराना और भयानक अनुभव था। जी हाँ, डॉग लवर्स ने उनके साथ जो हरकत की वो बिल्कुल वैसी थी जैसे वो खुद भी स्ट्रीट डॉग हो। इन कथित डॉग्स ने एक 8 साल की बच्ची तक को भी नहीं बख्शा। जी हाँ, इंसानी रूपी डॉग्स ने 8 साल की बच्ची के इंस्टाग्राम पर भद्दी भद्दी गालियों की बौछार कर दी। जबकि जयेश देसाई का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कुत्ते को ना तो मारते ही दिख रहे हैं और ना ही कुत्ता वहाँ मरा पड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि हमने इस मामले में बढ़ चढ़कर रिपोर्टिंग की, क्योंकि जब उस परिवार के खिलाफ सब थे तब हम उनके साथ खड़े थे। जी हाँ, यहाँ तक कि इन कथित डॉग लवर्स ने हमें भी नहीं छोड़ा, या फिर यू कहें कि ये हमारे ऊपर भी खूब भौंके। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा समय तक शोर नहीं मचा पाता है और ना ही ठीक से टिक पाता है। बता दें कि इस मामले में भी यही हुआ है। जी हाँ, हमने FIR दर्ज करवाने वाली उस कथित महिला और टीवी स्टार को एक्सपोज भी कर दिया है। इसके बाद ये और बौखला गए, लेकिन इनकी बौखलाहट से भी हम नहीं डरे और सारे आरोपों को झेलते हुए हम निडरता के साथ डटे रहे। वहीं हमारी खबरों का असर ऐसा हुआ कि लोगों ने भी इन कथित डॉग लवर्स के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। रोनवाल एलिगेंट के पास की सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने डॉग लवर्स की हरकतों से आहत होकर हमें अपना वॉइस मैसेज भेजा, जिसे हम आपको सुनवा रहे हैं। महिला ने भी कहा कि इन डॉग लवर्स की हरकत ठीक वैसी ही थी जैसे स्ट्रीट डॉग करते हैं, जो किसी के ऊपर भी भौंकना शुरू कर देते हैं और काटने की कोशिश करते हैं। आप भी सुने महिला ने क्या कहा है। देखो, ऐसा कि जब से हम पैदा हुई थी, मैं छोटी थी, मेरे पिताजी आर्मी में थे और जब तक मेरी शादी हुई हमने हमेशा डॉग्स रखे हैं। और मैं सच बता रही हूँ, डॉग्स का टेम्परामेंट का पता नहीं चलता है। तो हमारे घर भी एक बारी कोई आए थे तो हमारे डॉग ने उनको काटा था, और मुझे अभी भी याद है जो हमें शर्मिंदगी हुई थी। और हालांकि हमारे डॉग को इंजेक्शन लगा हुआ था, फिर भी मतलब दूसरे के तो काटा था और घर में भी मुझे काटा एक बारी। तो डॉग लवर्स हम भी हैं, हमारे साथ घर में भी हादसे हुए हैं। तो स्ट्रे तो ऐसे हो जाता ना, कभी कभी इंजेक्टेड भी नहीं होते हैं, लुक्ड आफ्टर भी नहीं होते हैं, रेबीज़ भी होती है, बीमार भी होते हैं। तो ऐसे उनको कहीं भी फीड करना गेट के पास, तो खाना खा रहे होते हैं वो, तो अगर आप उनके पास से गुजर जाओ और वो खाना खा रहे हैं, वो थ्रेटन फील करते हैं, फिर वो काटते हैं और अटैक करते हैं। एक्चुअली इंसान इंसान को तो विश्वास करता नहीं है, अपना प्यार मोहब्बत है, कुछ इंसानियत तो रही नहीं। तो लोगों ने पेट्स पालने शुरू कर दिए हैं। नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट द अदर ह्यूमन बीइंग। वहाँ जो ग्रुप बना था ना, उसके अंदर ये इंस्टाग्राम पे इस बच्ची का वो डाला हुआ था कि ये हैं। तो जब फिर मैंने आई केम ऑन इंस्टाग्राम, मैंने कहा ओहो, इस बच्ची के लिए लिखा जा रहा है, तो मैंने बिकॉज़ आई वाज अ स्कूल टीचर, तो मैंने कहा ये मत लिखो बस। अब वो ना मैं उस ग्रुप में हूँ, ना मुझे पता है वहाँ क्या हो रहा, कोई कैंडल मार्च है और उसके बाद में निकल आए, क्योंकि वहाँ के एडमिन्स सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं, अब लोग लिख नहीं पा रहे। तो आई पुल्ड आउट ऑफ द ग्रुप बिकॉज एक्चुअली मैं भक्तानी कृषांग में हूँ, यारी रोड पे, सामने भक्तानी हाइट मिल है टीवी एक्ट्रेस। तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया था, वो उन्हीं के डॉग्स हैं वो जो नीचे हैं दो, वो मतलब बहुत ज़्यादा संजीदा है उन डॉग्स को लेके, बहुत बदतमीज़ डॉग्स हैं वो नीचे तो वहीं बैठे होते हैं। तो जब वो मुझे ऐड किया गया ना, तो मुझे ऐसे लगा कि वो हमारी बिल्डिंग वाला मर गया कोई। तो मैं खिड़की पे देखने गई, मैंने कहा कौन सा वाला मरा है, तो देखा दोनों ही थे। तब मैंने जाके पोस्ट में जब लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए और वो सुधांशु पांडे का मैंने देखा पोस्ट, तब समझ आया रनवाल एलिगेंट में कोई डॉग की हत्या हुई है मैंने कहा ओहो, हमारे तो ये दोनों जिंदा है। अब ऐसा नहीं कि मुंबई पुलिस शुड कम एंड गिव अ स्टेटमेंट कि भाई एक्सीडेंट हुआ है और जो भी बोलना है बोलो,
अभी ये इतना गंद फैल गया है ना यहाँ पे इंस्टाग्राम में, वेरी बैड। फेक आईडीज इतना गंदा गंदा लिख रहे हैं, कोई वेट ही नहीं करता है। अच्छा, और मतलब इंसान की कोई अहमियत ही नहीं है। वो डॉग मर गया है, चलो ख़त्म हुआ, और वो इतना गंदा उसके ऊपर। तो कभी किसी इंसान के मरने पे नहीं किसी ने शोर किया होगा। ये सामने भक्तानी हाइट है जो हमारे यहाँ रजारी रोड पे, यहाँ पे भी दो बैठे रहते हैं, वो बुढ़े हो गए कुत्ते। पहले जो वो यंग थे, मैं कहीं से भी आती थी मैं सहमी रहती थी गेट पे, स्पेशली कुछ पार्सल होगा ना हाथ में तो वो अटैक करते थे सोच के कुछ खाने का है। एंड स्पेशली कुछ खाने का हो या मैं बड़ा पाव या कुछ ला रही हूँ तो मुझे बहुत एहतियात बरतनी पड़ती थी, छुपा के लाना पड़ता था। एंड दे वुड कम चार्जिंग एट मी। एक दो बार तो मैं रो पड़ी और सामान भी गिर गया हाथ से। फिर वहाँ की उन्हीं की हाइट की दो तीन लेडीज़ ने उनको पुकारा, फिर वो पूंछ लाते हुए इधर उधर चले गए। वो काटे भी ना, पर उनका एक डर तो रहता है ना,